वेलकम बैक टू माई अनदर स्किन रिलेटेड वीडियो। आज आपके साथ शेयर करूंगी घर पे बनाया हुआ सस्ता सा, आसान सा, टिकाऊ, बहुत दिन चलने वाला टोनर। मार्केट के टोनर्स काफी कॉस्टली आते हैं और हमें उतना रिजल्ट भी नहीं मिलता। एक बार खरीदते हैं, अप्लाई करते हैं, दोबारा कभी हम यूज नहीं करते और छोड़ देते हैं। ये एक ऐसा टोनर है जिसको आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हो। चावल का यूज करके बनाएंगे, घर में चावल हम हमेशा कुक करते हैं, बस उसी तरह से आपको इसको टोनर बनाना है। कोई ज्यादा झंझट नहीं है, ना लगाने का ना बनाने का। लेकिन इसके फायदे ये हैं कि आपकी स्किन होगी टाइट, पोर्स आपके श्रिंक होंगे, एजिंग से छुटकारा मिलेगा और स्किन पे एक नेचुरल ब्राइटनेस आएगी। तो चलो देर किस बात की, इजी पीजी सा रेमेडी है, ट्राई करना बनता है। तो चलो पहले बनाते हैं। सबसे पहले आपको लेना है 2 चम्मच के करीब चावल। मैंने 1 कड़छी के करीब ये चावल ले लिया है, नॉर्मल हमारे घर के रेगुलर राइस। और उसमें अब हम डालेंगे पानी और इसको अच्छे से आप हाथों से इसका सारा जितना भी गंदगी है वो निकाल लो और अच्छे से चावल को धो लो। उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन करके फ्रेश पानी फिर से डाल दिया और 1-1.5 घंटे के लिए सोख होके छोड़ दो। उसके बाद आपको लेना है 1-1.5 चम्मच एलोवेरा जेल। उसमें डालना है आपको रोज़ वाटर, 1-2 चम्मच आप रोज़ वाटर ऐड कर सकते हो। अच्छे से एलोवेरा जेल के साथ रोज़ वाटर को मिक्स करो। इससे क्या होगा ना कि एलोवेरा जेल जल्दी से घुल जाएगा अगर आप थोड़े से रोज़ वाटर में या थोड़े से चावल के पानी में मिक्स करोगे। अगर सारा ही डायरेक्टली डाल दोगे तो वो मिक्स नहीं होगा। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 विटामिन ई कैप्सूल, ये एंटी एजिंग का काम करेगा। उसको आप आगे से कट करके उसका पूरा ऑयल इसमें निकाल लो और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इतने सारे टोनर के बीच में 1 कैप्सूल सिर्फ डाल रहे हो तो कोई ऑयलीनेस नहीं आने वाली है स्किन पे। इनफैक्ट बहुत अच्छा विटामिन ई इफेक्ट मिलेगा और एंटी एजिंग का फायदा होगा। साथ में अब जो चावल का पानी है उसको हम इसमें डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा थोड़ा थोड़ा और डालते रहेंगे और किसी स्प्रे बॉटल में या नॉर्मल बॉटल में आप भर के रख सकते हो। मेरे पास पुराना टोनर का ही खाली बॉटल था तो मैंने उसी में इसको भर के रख लिया। और आप इसको दिन में 2 से 3 बार अपने चेहरे पे आसानी से अप्लाई कर सकते हो बिना डरे, बिना सोचे कि कुछ हार्मफुल इफेक्ट होगा। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट इससे अगर आपको एक्ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक्ने के निशान हैं, तब उसमें आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, आपकी फेस पे ब्राइटनेस आएगी और एलोवेरा जेल के साथ जब हम इसको मिक्स करके लगाते हैं तो सनबर्न और टैनिंग से फ़ायदा मिलेगा। और विटामिन ई कैप्सूल हमने इसमें डाला है तो उससे एंटी एजिंग का इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने ये बॉटल को बंद कर लिया और इसके बाद इसको मैं फ्रिज में रखूंगी। आपको इस टोनर को फ्रिज पे रखना है और इसको आपको डेली 2 से 3 बार जब आपको लगे कि स्किन आपकी बहुत डिहाइड्रेटेड हो रही है, थोड़ा सा कॉटन पैड पे ले लो और उसके बाद इसको अप्लाई कर लो अपनी स्किन पे या फिर स्प्रे बॉटल में डाल के इससे स्प्रे कर लो। उससे फिर आपको कुछ भी उसके साथ रब करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्प्रे करके छोड़ दो, अपने आप स्किन उसको अब्जॉर्ब कर लेगी। ऐसा आप 15 दिन करके देखो, आपकी स्किन आपको खुद को बहुत हेल्दी फील होगी, आपकी स्किन पे रौनक आएगी, आपको टैनिंग से आज़ादी मिलेगी और टोनर का तो ये काम बहुत बढ़िया करेगा ही। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे सॉल्व होगी। तो ट्राई ज़रूर करो, आसान से रेमेडी। ईजी लगा वीडियो, पसंद आया तो जाते जाते लाइक देना मत भूलिएगा। टोनर बना के रखिए फ्रिज में, 15-20 दिन यूज कीजिए, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होंगे। इनफैक्ट स्किन पे बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग और हाइड्रेटिंग हो जाएगी आपकी स्किन। तो चलो फिर मिलती हूँ किसी और बढ़िया सी रेमेडी के साथ। बाय बाय।